अब अगर हम कहें ना कि दाएं बाजू वाले और बाएं बाजू वाले, तो बाएं बाजू वाले वो हैं जिन्होंने मुखालफत की है इस करारदाद की और ऐवान ने रिजेक्ट किया है कि उन्होंने नहीं कबूल किया कि फैशन जो है वो वबाल है। दाएं बाजू वाले हमारे मुकर्ररीन जिनकी करारदाद जो है मंजूर की गई ईवान में कि फैशन ज़रूरत है आज की। अब बेहतरीन मुकर्रर कौन है जनाब, जिसे कल के लिए क्वालिफाई करना है और कल के फाइनल में हो सकता है 1 लाख रुपया जीते, सेकंड आने वाला 50,000 रुपया जीतेगा और थर्ड आने वाला जो है वो 25,000 रुपया जीतेगा। अच्छा, आज फरा गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी कोशिश थी, मोहसिन की, कशफ की, आयशा खालिद की, मोहम्मद सजाद की, सैदा दुर नजफ की, मुजम्मिल अहमद की और बिलखसूस ईमान आबिद की। मैं आपको ईमान बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सब क्लैपिंग करें ईमान के लिए, क्योंकि ईमान मैं बता रहा हूँ, ईमान इस सारे ग्रुप में देखें सबसे छोटी उम्र की और आप मैट्रिक में बेटा, अब मैट्रिक और मैट्रिक का बच्चा जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ अगर मुकाबला कर रहा है तो ईमान के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्टाइल, सब चीजों पर जो सबसे बेहतरीन कमांड थी नंबर वन, बड़ा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जी, सबका एक एक दो दो नंबरों का फर्क है। नंबर वन है आयशा खालिद, तुमने गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बाइक वाला पॉइंट मारा है ना, तो शाह साहब तो बस उन्होंने कहा मैं तो वेस्टकोट उतार देने वाला हूं, इससे बड़ा और कोई नहीं, मुबारक हो। सो आपने क्वालिफाई की, क्या मैं समझूं ये कि ये भी इससे भी क्वालिफाई की? देखिए मैंने क्लैपिंग स्पेशली इसीलिए करवाई है, मेरे मुताबिक अगर दोबारा इन्हीं के जाके वो देखे ना जो इन कंपटीशन था उसमें तो ये नंबर वन थी, मैं अगर दिल और फीलिंग से कहूँ तो ये आज भी कल के लिए ये कर रही, लेकिन नंबरों के हिसाब से आयशा खालिद नंबर वन, आयशा खालिद क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ रखेंगे, गुड लक, आप सब बेहतरीन मुकर्रर हैं, ऑब्वियसली विन करके आए हुए हैं, लेकिन अब आयशा खालिद ने क्वालिफाई किया है कल के फाइनल के लिए और देखते हैं कि लाखों लखपति कल कौन होने वाला है। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से लखपति बनेगा कोई बंदा, कोई बंदा 50,000 रुपया लेके जाएगा, कोई बंदा 25,000 रुपया लेके जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम रुकेंगे। रो तो नहीं रही हो ना, क्या रो रही हो, इतनी तुम्हारी तारीफ हुई है फिर भी रो रही हो, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई, इसके दोबारा तालियां होनी चाहिए इसके लिए, इतनी प्यारी सी बच्ची के लिए, आप में बहुत टैलेंट है और आपने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह और बहुत सारा अच्छा करना है। ठीक है, ये शाह साहब मैं रो पड़ूंगा आपको, तो पता है चुप करना बड़ा मुश्किल होता है मुझे, बिल्कुल सही, रोना नहीं है। अम्मी कहाँ हैं? हां भाई आई हुई हैं, अभी रोने वाले हैं। अम्मी कहाँ हैं? इसको थोड़ा सा संभालें, इसे थोड़ा सा हौसला दें, कोई बात नहीं इंशाल्लाह और किसी मुकाबले में ये जरूर बहुत आगे आप एक काम करें, शी इज अ विनर ऑलरेडी। फरा इनके लिए क्या नाम है बेटा आपका? ईमान आबिद। ईमान आबिद मेरे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं कोई कोर्स जब चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट आके कर सकती है ईमान आबिद। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सब लोग अब यहाँ पे मौजूद रहेंगे, हम चलेंगे फरहान भाई सबरसो किचन में जिनका कहना है डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ स्क्रम्पशियस चिकन डिलाइट्स और आज उसमें क्या बन रहा है। बिल्कुल आज आगे जाएंगे ना, क्या यहाँ क्यों, आपकी जगह वहाँ है जहाँ कुछ फ्राई हो रहा हो, जहाँ आपको कुछ खोलता खोलता सा नजर आए ना, आप समझे कि उसके पास आपकी जगह है, आपने उसको निकालना है बचाना है। तो आज क्या बना रहे हैं? आज क्रिस्पी फिले बन रहे हैं जो नॉर्मली बर्गर्स बच्चे बड़ा पसंद करते हैं डिफरेंट ब्रांड से जाके खाना, तो ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है। बनने क्या? में बिल्कुल वाह, सो हमने फिले फ्राई किया, नीचे हमने मेयोनीज लगाया, उसके ऊपर हमने पत्ता रखा, सलाद का पत्ता रखा, टमाटर रखे, कम्बर पसंद है वो, जो भी आपको चीज अच्छी लगती है, प्याज रख लें, मस्टर्ड डाल लें, एक यार एक सॉस बड़े मजे की होती है जब हम बाहर से खाते हैं बर्गर्स, वो सॉस क्या होती है? वो नॉर्मली होता सिर्फ ये है कि मायोनीज और केचप को मिक्स किया होता है और अगर उसमें हॉट सॉस आप रेड कलर की वो भी मिलती है थोड़ी सी वो ऐड कर लें, ठीक है, और वो मिला के तो वो सॉस बना देते हैं और साथ में उसके कुछ लोग मशरूम्स लगाते हैं, कुछ जलापेनोस लगा लेते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा सा। सो ये इस तरह से क्रंची से चिकन ब्रेस्ट जो कि फरहान भाई इसको फ्राई कर रहे हैं तैयार हो जाएंगे और ये सब कुछ सबरोसो की पैकेजिंग में हमें अवेलेबल है, जिनका कहना ये है कि हम टॉप नॉच क्वालिटी प्रोटीन प्रोडक्ट्स लाने के लिए पुरअज़्म, जो सेहत और क्वालिटी के आला स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक हों। इनकी जो टॉप जिसे कहते हैं हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं एक चिकन डोनट्स और एक चिकन पकौड़ा, लेकिन हम जितनी भी रोज़ाना खाते हैं सारी बहुत अच्छी लगती हैं, सारी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी, और मुझे अच्छा लगता है कन्वीनियंस बहुत है, इतनी गर्मी में खवातीन के लिए आसानी बड़ी है कि वो सारा कुछ बना सकती हैं, और साथ स्प्राइट, ठंडी ठंडी स्प्राइट जो कि किसी भी ड्रिंक का किसी भी खाने का लुत्फ जो है वो बढ़ा देती है। सो हम ज़रूर स्प्राइट जो है उसके साथ इन तमाम बर्गर्स को इन्जॉय करेंगे। पहला पहला रोज़ा आज किस बच्चे का है?
किस बच्चे का पहला रोजा? वेरी गुड. आपका? आप खड़ी होंगी वहां पे? आप खड़ी होंगी. इनको मेरी टीम मेंबर पहचान ले अच्छी तरह. हमने इन्हें बर्गर भी देना है और आप मेरे साथ आज बैठेंगी, ठीक है? सो आपका भी रोजा है. वेरी गुड. सो आप भी हमारे साथ होंगी और आपको भी हम बर्गर खिलाएंगे, ठीक है? सो हम यहाँ पे अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. हाँ ठीक है. अच्छा फिर ऐसा करते हैं फरहान भाई, कि चूंकि अभी हमने ब्रेक नहीं लेनी, तो मेरी ऑडियंस और उनके बेशुमार फरमाइशें, ठीक है, और आप और शहजाद मदनी साहब चले गए जी. अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं. कौन कौन फरमाइश करना, जिन्होंने पहले की है ना, प्लीज वो नहीं हाथ खड़ा करेंगे. जिनकी रह गई थी इनको माइक दें, इनको माइक दें और इनको साथ जामे श्री का एक तोहफा भी दें. जी फरमाइश क्या है? फरहान भाई से अली अली हैदर की फरमाइश. अली अली हैदर दें, जल्दी से माइक दें. आंटी को दें जी. आंटी बैठ के तशरीफ रखें. मैं तो पंजतन का गुलाम मुझकर श्री जामे श्री का तोहफा लेकर जाएंगे. जी 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 यहाँ पे ये इन लोगों को गिला रह जाएगा, हमसे पूछती नहीं है. जी मदीने का सफर है और मैं नमदीदा. जी इनको भी जामे श्री का गिफ्ट है. और यहाँ पे क्या तोहफा, क्या फरमाइश है? बताऊँ मैं कि क्या हुसैन है. इनको भी दे जामे श्री का तोहफा. पीछे वो जो बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक का, सबसे पीछे पिछली रो पास कर दीजिएगा माइक. पास कर दें आप. जी बेटे क्या? ए सब्ज गुम्बद वाले, ठीक है. इनको भी कशी जामे श्री का हम तोहफा देंगे, ठीक है. और उधर एक वो जो ग्रीन कपड़ों में बच्चा बैठा हुआ सबसे ऊपर, उसकी फरमाइश लेंगे. और इनको हम लेमन मैक्स का गिफ्ट टेम्पर देंगे. जी मदीने का मुसाफिर हूँ. बिल्कुल सही फरहान भाई. मदीने का सफर है और मैं नमदीदा. मुझे नाद ज़बानी याद नहीं, इसलिए मैं आपके लिए ये लाइन पढ़ देता हूँ. मदीने का सफर है और मैं नमदीदा. अब सफर की जहाँ तक बात है, एक और मदीने के सफर के हवाले से कलाम कर. मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ. सलाम उन पाक रस्तों पर जहाँ सरकार फरिश्ते भीग लेते हैं. उन्हीं गलियों उन्हीं रस्तों उन्हीं गलियों उसी दर का मुजाविर हूँ. मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ. अली हैदर. बिनते सद कहने लगी माजरा है क्या, आंख नहीं खोलता देखे मेरा बच्चा. कहने लगे ये नबी हाथों को उठाकर. अली हैदर. दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का. शेर खुदा न बलता तो बलता भी और क्या, बचपन ही से तो पाला हुआ था. एक बड़ी जो है अली का शजरा वो शजरा रसूल का. रब की कसम अली तो है वो पहला ना तूफान जिसने पढ़ा है पहला कसीदा रसूल का. हैदर अली हैदर.
बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। सभी का आसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, बताओ मैं कि क्या हुसैन है। यही मेरा सुकून है, रसूल हक कह रहे, रसूल हक कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा अता पता हुसैन है, बताओ मैं कि क्या हुसैन है। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अहमद हाशमी साहब की फरमाइश पर एक कलाम की चंद अशआर। फकीरों का भी क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे, फकीरों का भी क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, फराजेदार हो मक्तल हो जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क अली की शमा परवाने आ बैठे। अब सुनिए रजा सिंह साहब क्या लिखते हैं। अली बानो कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अन أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خوش آمدید. نور رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، رمضان کی پرنور گھڑیوں کا اور خاص طور پہ آخری عشرے کی جو سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں عبادت سے بھری ہوئی، خلوص سے بھری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے بھری ہوئی گھڑیاں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملاقات انشاءاللہ کل افطاری میں ہوگی اور یاد رہے سحری میں آپ فرحان بھائی سے ملیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آئیے سب مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں اور سب نے جھوم کر اس کلام کو پڑھنا ہے کیونکہ حق ہی بنتا ہے. خورشید احمد صاحب نے اس کلام کو بڑے اچھے انداز سے پڑھا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس انداز سے پڑھ سکیں. آج کی 27 روزہ گزرا ہے، بڑا برکت والا دن ہے، سب مل کر پڑھتے ہیں. حق لا الہ الا اللہ جشن پھر ایسے ہوتا ہے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنا کے بھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول ذرا اگر بولے اللہ ہی اللہ، حق لا کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا. توصیف عشق میں تو خدا بھی شریک ہے، محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، شرما گیا. آمنا دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنا دیکھ کر مسکرانے لگی،
سے یہ کہنے لگی کیا کہا دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ حق لا